बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 27। टुडेज टॉपिक इज़ पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी पार्ट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड फॉलोइंग पॉइंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी? पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी इन लाइट ऑफ कायदे आज़म्स वर्ड। History of the formation of foreign policy of Pakistan, foreign policy and constitution of Pakistan, diplomatic dynamics, basic goals of Pakistan's foreign policy, and now today's topic. Today's topic is Pakistan's foreign policy, part 2. First of all, guiding principles of Pakistan's foreign policy. पिछले लेक्चर में हमने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अहम नुकात पर बात की थी। फॉरेन पॉलिसी किसको कहते हैं, कायदे आज़म ने हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से किस तरह से रहनुमाई की है, पाकिस्तान का आइन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहता है, आज़ादी हासिल करने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने एक जायज़ा लिया था, एक ओवरव्यू था। इस पर हम आज के लेक्चर में भी मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा हमने डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स के ऊपर बात की थी कि डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स क्या होती हैं और खारजा पॉलिसी के हवाले से किन चीज़ों को देखा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो दो इम्पोर्टेंट डायनेमिक्स हैं उन पर बात की गई थी। और इसके अलावा के कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको जहन में रखते हुए कोई मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देता है। इसके अलावा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कौन से वेरिएबल्स इम्पॉर्टेंट हैं, इस सिलसिले में हमने तीन वेरिएबल्स के पर बात की थी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड थर्ड आइडियोलॉजी। आज के लेक्चर में हम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टीज ऑफ मिलियन ऑफ मुस्लिम्स लाइक एनी अदर कंट्री। शी ऑल्सो कंसिडर विद डीप रिगार्ड the need for preservation of its independence and does not allow any country to harm its freedom. Therefore, the principle of protection of independence and sovereignty is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑल्सो डिस्कस द वेरी बेसिक वेरिएबल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड इट इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट। हियर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गॉट दिस कंट्री विद अ कंटिन्यूस स्ट्रगल and there is a very long story of struggle, and after achieving this goal, now it's our responsibility to save this country for the generations to come. इसी तरह से पाकिस्तान का जो खारजा पॉलिसी के हवाले से ये बात जो है ये सबसे पहले समझी जाती है और इसको सर फहरिस्त रखा गया है कि पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत, ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बगैर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बात नहीं हो सकती। सबसे पहला नुक्ता कि जब भी वैसे तो बाकी सारी पॉलिसीज़ को तरतीब देते हुए भी इस आम नुक्ते को जहन में रखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत को सबसे पहले पेश नज़र रखा जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ कॉर्डियल रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान ऑलवेज ट्राइज टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज़। इट हैज़ ऑलवेज मूव्ड इट्स कंसर्न्स अगेंस्ट इज़राइल, इंडिया एंड यूएसएसआर, कैप्चरिंग पैलेस्टाइन, कश्मीर एंड अफगानिस्तान रिस्पेक्टिवली। She has shouldered high responsibilities and
यूज हर इन्फ्लुएंस फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एन एक्टिव मेम्बर ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। आपने देखा है कि दूसरा पॉइंट जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो ये दी गई है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तरतीब देते हुए मुस्लिम ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और इस सिलसिले में अगर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क ने अगर किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तकाब किया है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसे मुल्क के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है, जैसे कि इसराइल, इंडिया और USSR। इसराइल ने फ़लस्तीन का जो मसला है उस हवाले से मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी की है, इसी तरह से इंडिया ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया के लोगों की दिल आज़ारी की है, इसी तरह से रूस ने अफ़गानिस्तान पर अपनी जारहियत का इर्तकाब करने के बाद मुसलमान दुनिया में अपने ख़िलाफ़ मनफी जज्बात को फ़रोग दिया है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के की खारजा पॉलिसी तरतीब देते हुए मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग को ख़ास अहमियत दी जाए। इसी तरह से द सेकेंड पॉइंट इज़ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान हैज़ सॉट टू एस्टैब्लिश नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज़ स्पेशली इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सली एक्नॉलेज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, नो यूज़ ऑफ फोर्स, नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ आप देखेंगे कि इस दूसरे इस नुक्ते में जो बात की गई है ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से इस पर जो बात की गई है वो ये है कि ठीक है जी, एक मुल्क जो है वो आज़ाद मुल्क की हैसियत से भी रह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसकी आज़ादी को तस्लीम भी करती है, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता चंद बरसों से ऐसे हालात सामने आए हैं कि गरीब मुल्क और ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदरूनी मामलात में जो है वो बहुत सारे ममालिक का, बड़ी ताकतों का और ख़ास तौर पर सुपर पावर की जो इंटरफेरेंस है, दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी इस नुक्ते को सामने रखा गया है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देते हुए हम इस तरह के ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ उस्तवार नहीं करना चाहते जिसकी वजह से किसी मुल्क को ये तासुर मिले कि वह हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे सकता है। तो इस हवाले से ये नुक्ता बहुत अहम है। इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN चार्टर। पाकिस्तान पॉलिसी इज़ टू एक्ट अपॉन UN चार्टर एंड टू सपोर्ट ऑल मूव्स बाय द UN टू इम्प्लीमेंट इट। पाकिस्तान हैज़ बीन द मेम्बर ऑफ UN सिंस द ईयर ऑफ इट्स बर्थ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में वाहिद ऐसी आलमी तंजीम है जिसके तकरीबन इस दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक मेम्बर हैं। अब इस आलमी तंजीम का जो असर व रसूख है वो आलमी बिरादरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा नुक्ता या कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जो कि अक्वामे मुत्तहिदा की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हो या अक्वामे मुत्तहिदा की पॉलिसियों के मुताबिक एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये जो, क्योंकि जो ही पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा की मेंबरशिप भी हासिल की और इसके साथ ही पाकिस्तान जो है अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर से पूरी तरह से मुत्तफिक है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से ये एक अहम गोल है कि ऐसे कोई शिक जो है, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर से जिसका क्लैश हो और जो उसके मुताबिक दुरुस्त कदम ना हो। इसी तरह से इसमें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। पाकिस्तान पॉलिसी इज़ टू प्रमोट पीस अमंग नेशंस। इट हैज़ नो एग्रेसिव डिजाइंस अगेंस्ट एनी कंट्री, नीदर डज इट सपोर्ट एनी सच एक्शन। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज हेल्ड दैट द इंटरनेशनल डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड थ्रू निगोसिएशन रादर देन नॉन बैटल फील्ड।
यहाँ पर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस की बात की गई है, यानी कि दुनिया में आलमी अमन को फ़रोग दिया जाए। आलमी अमन को फ़रोग इसी सूरत में दिया जा सकता है कि जब मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनका पुरअमन हल तलाश किया जाए, क्योंकि आप जंग से उसी सूरत में बच सकते हैं, जंग से में उसी सूरत से बचा जा सकता है जब तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश किया जाएगा, जब तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। अगर इस तरह की रवायात को फ़रोग दिया जाएगा तो यकीनन ये दुनिया जो है, ये प्लानट अर्थ जो है, ये अमन का गहवारा बन जाएगा। अदरवाइज अगर मज़लूम की दादरसी नहीं होगी या जो ज़ालिम कौमें हैं वो अपने कदम नहीं रोकेंगी, तो फिर इस दुनिया में अमन को फ़रोग नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आपको पता है कि ये कानूनी कुदरत है कि जब किसी पर जुल्म किया जाता है तो वो आवाज़ ज़रूर उठाता है, अगर वो आवाज़ ना उठा सके तो वो उसको दिल में बुरा जानता है, और जब कभी भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो वो अपना बदला ज़रूर लेते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आलमी अमन को फ़रोग देना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो तनाज़ात हैं उनका मुस्बत हल तलाश किया जाए। हर कौम को, हर ग्रुप को, हर मुल्क को जो उसके जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, और मुल्कों के दरमियान में अगर इख्तलाफ पैदा होता है किसी बात में, जैसे दो अफराद के दरमियान में झगड़ा हो जाता है, तो उसको बातचीत के ज़रिए तय करने की कोशिश की जाती है और उनको एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने से रोका जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कौमों के मामलात में भी इसी असूल को अपनाना होगा ताकि आलमी अमन को फ़रोग दिया जा सके, और इसी के मुताबिक पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको भी तरतीब दिया जा रहा है। इसी तरह से नॉन अलाइनमेंट यानी गैर जानबदारी, क्योंकि जब मुल्कों के दरमियान में बातचीत चल रही होती है और उनमें ताल्लुकात बने हुए होते हैं, तो किसी इस आलमी बरादरी में बाकी सबका साथ देते हुए चंद मामलात में गैर जानबदार रहना भी मुल्कों के हक में बेहतर होता है। आइए देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा है। पाकिस्तान फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दैट इज़ टू कीप अवे फ्रॉम अलाइनमेंट विद एनी बिग पावर ब्लॉक एंड अवॉइड टेकिंग साइड्स इन द होल्ड वॉर। इट हैज़ ऑल्सो गिवन अप इट्स एसोसिएशन विद सीटो एंड सेंटो एंड वॉज इंक्लूडेड इन नैम इन 1979। गैर जानबदारी के सबूत के तौर पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ रेफरेंसेस मौजूद हैं उनमें यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सालमियत और तहफ़ के लिए जो उस वक्त की आलमी ताकत थी उसके कहने पर दिफाई माहदे यानी सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया और उन ममालिक के साथ उन माहदों पर दस्तखत किए जो जो के पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से तहफ़ फराम करने को तैयार थे। इसी तरह से गैर जानबदारी की पॉलिसी अपनाते हुए पाकिस्तान ने नैम में यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में, जो कि तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं इसके मेंबर हैं, और इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी पाकिस्तान का एक रोल है। एंड वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। एंड पाकिस्तान ज्वाइंड नैम इन 1979, ऑल्दो इट वॉज इस्टेब्लिश इन मिड 50s, बट पाकिस्तान गॉट इस मेम्बरशिप इन 1979 to prove this that Pakistan is not aligned with any superpower and its policy is based on non-alignment. तो गैर जानबदार रहते हुए पाकिस्तान जो है आलमी मसाइल में शिरकत करना चाहता है और इसमें गैर जानबदारी कायम रखते हुए वो लोगों के आलमी जो हालात हैं, जो दुनिया में लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश हैं, उसमें उनकी मदद करना चाहता है, और इस सिलसिले में किसी भी बड़ी ताकत का या सुपर पावर का हलीफ बनना नहीं चाहता। इसी तरह से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से जो एक और गोल मुकर्रर किया गया है वो ये है कि सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कंडेम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड हैज़ बीन इन द फॉर फ्रंट ऑफ efforts to eliminate colonialism. It has advocated the right of self-determination of Kashmir. इसी तरह से पाकिस्तान हक के खुद इरादियत के हक में है, यानी लोगों को उनका ये पैदाइशी हक देना कि वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के बारे में ये फैसला दे सकें
कि उन्होंने किस मुल्क के साथ रहना है या किस तरह से रहना है या किस तरह के निज़ाम को कबूल करना है। तो और इसी तरह से जो नस्ली इम्तियाजात हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उन नस्ली इम्तियाजात के भी ख़िलाफ़ है। तो ये जो बेसिक गोल्स हैं, दीज आर 7 बेसिक गोल्स फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। Analysis of guiding principle. The guiding principles of Pakistan's foreign policy are rooted in the country's Islamic ideology, its rich cultural heritage and historical experience. As an Islamic and non-aligned country, Pakistan supports Islamic values and firmly upholds the above mentioned principle, which hold out the promotion of a just and unbiased world order in which nations can live in peace and security. ये जो हमने अभी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बुनियादी निकात, जो बुनियादी असूल जो हैं, जो बुनियादी असूल मुतय्यन किए गए हैं, उनका जायज़ा लिया, और उस हिस्से में आप इसका तज़िया ये है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ें हैं, दोज आर एसोसिएटेड विद इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड कल्चर हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज प्रेफर टू डिज़ाइन इस फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड पाकिस्तान इस्टेब्लिश इस रिलेशन विद दोज कंट्रीज हु आर रिलेटेड टू दिस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसी तरह से पाकिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड पाकिस्तान वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, बट पाकिस्तान वांट लेबल इटसेल्फ एज अलाय ऑफ एनी ग्रेट पावर और एनी सुपर पावर। इस काम के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे जो ऐसे आलमी मसाइल हैं जिनमें के बड़ी ताकतें या सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, अगरचे उनका साथ दिया है, लेकिन इसके बावजूद अपने हक को, अपने राय को एक तरह से मुनफरिद हैसियत भी दी है, और जहाँ पर वो उनसे मुत्तफिक नहीं है वहाँ पे बड़ी जुरत के साथ और बड़ी तरीके के साथ जो है उसका इजहार भी किया है। तो ये जायज़ा था पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो पाकिस्तान के लिए रहनुमाई के जो असूल मुकर्रर किए गए हैं उस लिहाज से ये रहनुमा असूल जो हैं ये उनके बारे में एक तज़िया है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हुए कौन कौन से आम फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की, ये दो तरह के होते हैं बेसिकली किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हुए। दीज फैक्टर्स कंसिडर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बेसिकली दीज आर टू, वन इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में है जियोग्राफिकल लोकेशन, साइज ऑफ द स्टेट एंड नेचुरल कैपेसिटी, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में शामिल हैं अलाइंसेस, पावर स्ट्रक्चर और वर्ल्ड ओपिनियन। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो पहले भी बात हो चुकी है कि किसी भी मुल्क की जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है या जो उसकी नेचुरल कैपेसिटी होती है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, साइज ऑफ द स्टेट जो होता है, जो उसकी पॉपुलेशन होती है, दीज ऑल पॉइंट्स मैटर्स अलॉट। और इसी तरह से किसी भी मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनमें यह देखा जाता है कि किसी मुल्क का, किसी स्टेट का दुनिया में जो अलाइंसेस हैं वो कितने मुमालिक के साथ हैं और वो किस तरह के अलाइंसेस हैं या मुआहदे हैं, साथ देने के मुआहदे हैं। इसी तरह से पावर स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्ल्ड में जो हैसियत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो कितना पावरफुल है, उसका जो पावर सेक्टर है वो कितना स्ट्रांग है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो एटमी ताकतें हैं इस वक्त दुनिया में, उनकी एक से है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंटरनेशनल मैटर्स में। तो उस हवाले से जो पावर स्ट्रक्चर है वो बहुत अहम है। और तीसरी चीज़ जो है वर्ल्ड ओपिनियन, के दुनिया के बेशतर ममालिक किसी मुल्क के बारे में राय कैसी रखते हैं, ये भी बहुत ही अहम नुक्ता है जो कि किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हुए इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो पेश नज़र रखा जाता है।
आइए देखते हैं कि करंट फोकसिंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो इस हिस्से में द मेजर फोकस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस टू इट्स नेशनल आइडेंटिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड अदर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द इस्लामिक स्टेट। इसमें कुछ चीज़ों की रेपिटेशन है, जैसे कि मैंने बहुत शुरू में ही बात की कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा रहा है कि हमने इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से उस्तवार करना है। इसी तरह से आजकल भी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये नुक्ता सर फहरिस्त है। इसी तरह से मुल्की सालमियत एक ऐसा नुक्ता है जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से माजी में भी बहुत आम था और आज भी जब हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें नेशनल आइडेंटिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। पाकिस्तान हाइलाइट्स सॉवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, बायलैटरलिज्म, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स एज द मेन फीचर्स ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से ये बहुत अहम नकात हैं कि सॉवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, कि हर मुल्क की जो हाकमियत है उसको तस्लीम करना, सॉवरेनिटी को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी मुल्क की हाकमियत को तस्लीम नहीं करते तो ज़ाहिर है कि आप उसके साथ ताल्लुकात कैसे उस्तवार करेंगे, क्योंकि जब किसी के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं तो उसका स्टेटस देखा जाता है और हर मुल्क का जो स्टेटस है या सॉवरेनिटी है या हाकमियत है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह से बायलैटरलिज्म के बामी मफादात क्या हैं, इसी तरह से आपके बामी मफादात में आप कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसके साथ ही एक दूसरे के मामलात में, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल ना देना, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का माजी में भी बुनियादी हिस्सा रहे हैं, खुसूसन आजकल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके में ये नहायत ही अहम नकात हैं। पाकिस्तान फर्मली बिलीव्स दैट इट हैज़ टू वर्क विद इन द नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम बट इट सपोर्ट्स देयर रीस्ट्रक्चरिंग फॉर ब्रिंगिंग देम इन लाइन विद द रियलिटीज करंटली ऑब्टेनिंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम। पाकिस्तान ऑल्सो आइडेंटिफाइज विद द पोलिटिकल एंड इकनॉमिक कंसर्नस ऑफ द डिवेलपिंग कंट्रीज़। इसी तरह से आजकल पाकिस्तान की जो फॉरन पॉलिसी है उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वो जो नॉर्म्स हैं, जो मुख्तलिफ इदारों के काम करने का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है बैन अवी इदारों के जो सिस्टम है और जो जो नए सिरे से जो मुल्क जो हैं वो अपनी इकोनॉमीज़ को और अपने अंदरूनी मामलात को तरतीब दे रहे हैं, जैसे कि इरानियन रेवोल्यूशन था, उनके साथ मुताबकत इख्तियार करते हुए अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दे। इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके मसाइल को भी सामने रखते हुए, उनके उनके मतमे नज़र को भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दें। इसी तरह से पाकिस्तान देयरफॉर मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन द प्रिंसिपल इनिशिएटेड इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ यू हैव इंफॉर्मेशन दैट पाकिस्तान इज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमिनेंट रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और आजकल पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन नकात को मद्देनज़र रखा गया है कि जितने भी बैन अल-अक़वामी और इलाकाई सतह पर जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके चार्टर्स को, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको भी सामने रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दें। अदर लीडिंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स इंक्लूड सपोर्ट टू राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन फॉर द सब्जुगेटेड नेशंस, ऑपोजिशंस टू कॉलोनियलिज्म, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड प्रमोशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन। आप देखेंगे कि इस यहाँ पर अभी जितनी नकात पर बात की जा रही है
ये सब आए दिन आप खबरों में सुनते रहते होंगे और आपको पता चलेगा कि ये सारे आम नकाज जो हैं आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हुए जहन में रखे जाते हैं। जैसे कि वो तमाम कौमें जिनको कि अभी तक अपना अपना हक राहदारी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, जैसे कश्मीर के लोग हैं, तो कश्मीर का जो मसला है वो जहन में रखते हुए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हैं ताकि हम उन सारी कौमों का साथ दें जो कि आज़ादी की तहरीकें चला रही हैं, ताकि उनको अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। इसी तरह से जो कॉलोनियलिज्म है, जो कि नौ आबादियाती निज़ाम था और बहुत सारी यूरोपियन कौमें जो हैं उन्होंने नौ आबादियाती निज़ाम के तहत दुनिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा रखा और ये एक बहुत ही ज़ालमाना निज़ाम था, और इस ज़ालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है सब कॉन्टीनेंट में बरेसगीर में उसके ख़िलाफ़ तहरीक उठाई गई थी और उसी के नतीजे में पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो इस तरह के जो नौ आबादियाती निज़ाम अब भी मुख्तलिफ जगहों पर कायम है उसके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है मौजूद है, और इसी तरह से जो पुरअमन रेजोल्यूशंस ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, यानी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, क्योंकि देर आर मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हु हैव बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद ईच अदर, इवन देर आर मैनी नेबरिंग कंट्रीज़ इन साउथ एशियन रीजन, इन मिडल ईस्ट, दे हैव मैनी बाउंड्री इशूज़, एंड पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज प्रमोट टू सच इशूज टू सेटल ऑल दीज इशूज अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज एंड टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन डिफरेंट रीजन्स, स्पेशली ऑल दोज कंट्रीज हु आर फेसिंग बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद ईच अदर। इसी तरह से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान जो है एटमी कुव्वत को, एटम की जो ताकत है उसको इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर इस तरह की जो टेक्निक है, इस तरह का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, अगर इस को इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे तमाम मंसूबों के हक़ में है, जबकि अगर इसको इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में अमन और भाईचारे को फ़रोग देना चाहती है, और इस सिलसिले में जितनी भी बैन अलावामी और इलाकाई तंजीमें काम कर रही हैं पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत उनके साथ है और उनके साथ उसका मुकम्मल तावन मौजूद है। पाकिस्तान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया एंड इट्स स्टेटस एज अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बींग द ओनली इस्लामिक नेशन टू हैव दैट स्टेटस प्लेज अ पार्ट इन इट्स इंटरनेशनल रोल। इसी तरह से पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्यूनिटी के अंदर पाकिस्तान हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस एंड वेरी स्पेशल स्टेटस, because now Pakistan is included in world atomic powers, and secondly Pakistan is the second largest country, Islamic country in the world population wise। तो पाकिस्तान की इन 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 दो वजूहात की वजह से पाकिस्तान है वसे विद इन इंटरनेशनल मैटर्स, और पाकिस्तान अपने इस से को या इस राय देने को हमेशा दुनिया की बेहतरी के लिए और मस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान हैव अ वायलेंट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इशू सच एज डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फॉरेन मिलिट्री परचेजेस एंड अदर इशूज दैट आर वाइटल टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इसी तरह से पाकिस्तान की इनको अपनी सालमियत के लिए अगर दिफाई लिहाज से कोई भी कदम उठाना पड़े तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान वांट टू एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद ऑल दोज कंट्रीज हु कैन प्रोवाइड पाकिस्तान सपोर्ट टू सेफ इट्स इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, और इस लिहाज से न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या ऐसी मिलिट्री इक्विपमेंट की को ख़रीदना है जो पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी सालमियत के लिए जो उसको ख़तरात लाहक हैं उसमें मददगार हो सकते हैं, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ऐसी तमाम चीज़ों को सपोर्ट करती है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान हैज अ स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल लोकेशन एट द कॉरिडोर ऑफ वर्ल्ड मेजर मैरिटाइम ऑयल सप्लाई लाइंस एंड हैज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रिसोर्स एंड ऑयल रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज. पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अ मेजर नॉन नेटो अलाय ऑफ द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड हैज अ हाईली डिसिप्लिंड मिलिट्री विच इज़ द वर्ल्ड एट्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स. इसके अलावा जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जिसमें जियोग्राफिकल लोकेशन आम होती है, जिसमें अलायंसेज ख्याल किए जाते हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है. इसी हवाले से ये जो पॉइंट है, इसमें जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोलिटिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के ऐसे खत्ते में वाक़ है जहाँ एक तरफ तो पूरी दुनिया को जो तेल सप्लाई करने वाले मुल्क हैं उनका एक सिलसिला है, और दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन, ये जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका ये तकरीबन मरकज़ में वाक़ है. इसी तरह से पाकिस्तान जो है, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हवाले से जो अलायंसेज हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. तो पाकिस्तान इस वक्त जो सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी OIC, उसका एक बहुत एक्टिव मेम्बर है. इसी तरह से पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय है. पाकिस्तान नेटो कंट्रीज़ का तो मेंबर नहीं है, नेटो कंट्रीज़ में तो शामिल नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म के खिलाफ जंग है उसमें पाकिस्तान जो है नेटो फोर्सेस का, नेटो पॉलिसीज़ का हिस्सा है, और नॉन नेटो अलाय के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शरीक है. और इसी तरह से जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में एक और अहम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की 8 बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती हैं, और इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि हम पाकिस्तान के दिफा से गाफिल नहीं है और हमारे पास इंतहाई आला तरबियत याफ्ता फौज जो है वो मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आला तरबियत याफ्ता अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान की पोजीशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बहुत स्ट्रांग है. इसी तरह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी हैज़ इनकम्पास डिफिकल्ट रिलेशंस विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्पेशली ऑन द कोर इशू ऑफ कश्मीर ओवर विच इट हैज़ फॉट 3 वॉर्स. हाउएवर इट हैज़ हैंड लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज रिलेशंस विद इट्स अदर नेबर्स अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना, एक्सटेंसिव सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द पर्शियन गल्फ एंड वाइड रेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त काम कर रही है उसमें ये देखें कि तारीखी लिहाज से तो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे हैं. हमारी इस सिलसिले में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, और इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो कश्मीर का मसला है. अगर इस मसले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए और इसको दोनों मुल्क जो हैं एक ऐसा हल तलाश कर लें जो इंडिया को भी काबिल कबूल हो, जो पाकिस्तान को भी काबिल कबूल हो, और जो कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी काबिल कबूल हो, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता है. और इसके साथ साथ आजकल पाकिस्तान के इंडिया के साथ अगरचे ताल्लुकात की नोयत बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मसले के वजह से हम, क्योंकि इसका अभी तक कोई परमानेंट हल तलाश नहीं कर सके हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चाइना के साथ इस खत्ते में इंतहाई दोस्ताना मरासम हैं, और इसके अलावा जो पर्शियन गल्फ है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं, जो कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी की दलील है कि हम सही सिमत में अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दे रहे हैं. इसी तरह से ड्यू टू इंटेंशन ऑफ सोवियत एक्सपेंशन पाकिस्तान है स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ड्यूरिंग मच ऑफ द कोल्ड वॉर एंड गुड रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. टूडे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिमेन पाकिस्तान क्लोजेस्ट अलाय. आप ये देखिए कि क्योंकि USSR की एक पॉलिसी थी कि वह उसकी एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी इस खत्ते के अंदर, लेकिन ये ख़तरा जो है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR नाउ इट इज़ रिमूव्ड डिसअपीयर्ड.
नाउ पाकिस्तान हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना एंड यूएसए एंड इट शोज़ दैट पाकिस्तान हैव डिज़ाइंड अ वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी एंड नाउ दिस इज़ द फ्रूट ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी दैट वी हैव वेरी क्लोज स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद चाइना एंड यूएसए. Now, it is very important to discuss with the reference of foreign policy the major alliances of Pakistan. Pakistan has historically maintained brotherly and friendly relations with all the Arabs and Muslim countries under the banner of OIC. And apart from friendly relations with Muslim countries, China and USA are also seen as major partners of Pakistan. Now, we have very strong relationship with the Muslim countries, and on the other hand, we have very strong relations with China, because now China is representing the communist world, because there are three major blocs in the world, communist bloc and capitalist bloc and Islamic bloc. And Pakistan is the country who have very good relations with China, because now China is representing communist bloc. Pakistan have very good relations with USA, and USA is representing capitalist bloc, and Pakistan is also the member of OIC and a very active member of OIC, and with this reference Pakistan have very good position, very good status in Islamic world, and it shows that Pakistan is the major ally of all these major powers of the world, मेजर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड. सो ये जो मेजर अलाइंसेस हैं ये भी पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत आम हैं. आप ये देखते हैं कि हमारे मेजर राइवलरीज हमारी किन के साथ हैं, हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक हम किन से किन ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हुए हिचकिचाते हैं, या हम उन पर भरोसा नहीं करते, या हम उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, क्योंकि खारजा पॉलिसी के हवाले से आजकल हमारे तालिबे इल्मों को, नौजवान नस्ल को पाकिस्तान स्टडीज़ का मजमून पढ़ते हुए इन सब चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है. Pakistan and India have fought three wars in the past. The continuing dispute over the status of Kashmir inflames opinion in both nations and make friendly relations difficult. Also, Pakistan and Israel maintained no diplomatic relations to date. आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं, अगरचे पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इंडिया के साथ भी बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे, क्योंकि हमारे कश्मीर के मसले की वजह से जो मेजर इशू है, और अब जो पानी का मसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ये भी एक मेजर इशू बनता जा रहा है. पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन मसाइल का हल तलाश कर लें, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है. तो जब हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हैं तो हम इन खदशात को भी मद्देनज़र रखते हैं. हम जो हमारे हामी ममालिक हैं और जिन ममालिक से हमें खतरात दरपेश हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तरतीब देते हुए उन इन ममालिक को, इन लोगों को जहन में रखना पड़ता है. इसी तरह से इसराइल दुनिया की वाहिद रियासत है जिसके साथ पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात नहीं हैं. International organizations and foreign policy. In the previous lecture, we have discussed that international regional organizations are very important. And now I think your minds are clear about the status of regional and international organizations. So I'm going to discuss Pakistan's foreign policy with the reference of regional and international organizations. Pakistan is an active member of United Nations. It was a member of a CENTO and CETO military alliance. Its alliances with the United States was especially close after the Soviet invaded the neighboring country of Afghanistan. In 1964, Pakistan signed the Regional Cooperation for Development Pact with Turkey and Iran, when all three countries were closely allied with the US and as neighbors of the Soviet Union, worried about the expansion policy of USSR. इन नकात में जो बात बताई गई है उसमें यह है कि पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो के माहदे जो हैं उन पर दस्तखत किए, ताकि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने और अपनी सलामती के लिए मुतमईन हो जाए. और दूसरी तरफ 1964 में पाकिस्तान ने आरसीडी का माहदा तय किया, ताकि इस तंजीम का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ममालिक के अंदर अपनी पोजिशन जो है उसको मुस्तहकम करे. इसके साथ ही जो जो सोवियत एक्सपेंशन पॉलिसी थी,
ये उसके खिलाफ भी एक बंद मानने के मुतरादिफ था कि पाकिस्तान ने इन अलायंसिस में शिरकत की। टू दिस डेट पाकिस्तान हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद टर्की। RCT became obsolete after the Iranian Revolution and a Pakistani-Turkish initiative led to the founding of the Economic Cooperation Organization in 1985. RCD जो है जब Iranian Revolution हुआ तो उसके बाद से उसको डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन उसको दोबारा एक नई शक्ल में बहाल किया गया 1985 में, जो कि अब ECO के नाम से मौजूद है, और ECO के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में तफसील से बात कर चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान इज़ अ लीडिंग मेंबर ऑफ द कॉफ़ी क्लब टू अपोज इंडियन मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अब आपके जहन क्लियर होगा, आपको पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मतलब है। ये अक्वामे मुत्तहिदा का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सरहदी तनाज़ात के बारे में या जिन मुल्कों को अपनी सालमियत के लिहाज से खतरात दरपेश होते हैं उनके जो मसाइल होते हैं उन पर बात की जाती है। उसमें कुछ ममालिक को वीटो का हक हासिल है और कुछ गैर मुस्तकिल ममालिक जो है उसकी मेंबरशिप जो है उनको 2 साल के लिए दी जाती है। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से पाकिस्तान जो है अक्वामे मुत्तहिदा में उसने अपनी एक एक डिप्लोमेसी है जिसके तहत वो अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर जो इस्लामी ममालिक हैं और जो पाकिस्तान है इसके मफादात के हक में जो है वहाँ आलमी बिरादरी को कायल करता है, और इसी तरह से अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही होती है तो उसमें भी वो इन ममालिक को इन ग्रुप्स को साथ लेकर चलता है। इसी तरह से पाकिस्तान बिगेन विद एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इन 1947। हावर इट टिल्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ पीरियड ऑफ 7 years ड्यू टू serious economic and security pressures. It pursued independent to non-aligned foreign policy from mid-60s to the end of the 1970s and assigned a great importance to its interaction with the Muslim states and the issues and problems of the developing world. 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की तो उसके बाद से पाकिस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की, इसमें हमने पिछले लेक्चर में भी बात की है कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी के हक में हुकूमत पाकिस्तान ने काम शुरू किया जो कि गैर जानिबदारी से दुनिया में ममालिक के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करें और अपने लिए और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन 1960 और 1970 की दहाइयों में हमें इसमें तब्दीली नज़र आती है, क्योंकि 1960 के अशरे में पाकिस्तान में और भारत की जब जंग हुई और फिर 1971 में जब पाकिस्तान को एक और जंग का सामना करना पड़ा तो इसके बाद से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से उसमें तब्दीली नज़र आती है। इट मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ क्लोज इंट्रैक्शन इन द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फील्ड्स विद द वेस्ट इन जनरल एंड द US इन पर्टिकुलर इन द मिड एंड लेट 1950s, द 1980s एंड नाउ सिंस 2012। इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम पाकिस्तान की गुज़िश्ता फॉरेन पॉलिसियों का जायज़ा लें, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अगर हम 50s का अशरा देखें और 80s का अशरा देखें और आज 2012 में अगर हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि हमारा ज़्यादातर झुकाव जो है वो USA की तरफ रहा है और हमने USA के साथ मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारे मंसूबों पर काम किया है। इसी तरह से पाकिस्तान इज़ करंटली एन एक्टिव प्लेयर इन द ग्लोबल एफर्ट्स फॉर कम्बैटिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म विद अ पॉलिसी दैट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म पोज सीरियस थ्रेट्स टू ग्लोबल सिक्योरिटी एज वेल एज टू पाकिस्तान इंटरनल पीस स्टेबिलिटी एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। जब से दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के मसाइल शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी के साथ मिलकर अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको इस तरह तरतीब दिया है कि जो आलमी बिरादरी के लिए भी काबिल कबूल हो और इसके अपने अवाम के लिए भी काबिल कबूल हो। इसी तरह से आज कल की जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो इन दोनों मरकजी निकात को साथ लेकर
तरतीब दी गई है। पाकिस्तान हैज़ मेड सम डिफ़िकल्ट डिसीजन इन परसुइंग काउंटर टेररिज्म एंड फॉर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स इमेज एट द इंटरनेशनल लेवल, रिस्टोर इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान स्टेट एंड गवर्नमेंट टू पुट देयर सोशियो इकनॉमिक हाउस इन ऑर्डर। इसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी खारजा मौजूदा खारजा पॉलिसी को तरतीब देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा है कि उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते हुए या मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ काम करते हुए इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि पाकिस्तान की माशी और माशरती तरक्की के लिए, समाजी और माशी तरक्की में भी पाकिस्तान का जो मफाद है उसको मद्देनजर रखा जाए। ये ना हो कि हम इन दोनों मसाइल पे आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हों और अंदरूनी लिहाज से भी पाकिस्तान जो है वह मसाइल का शिकार हो और बैरूनी दुनिया भी पाकिस्तान के किरदार को दुरुस्त तौर पर समझ ना सके। तो पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसी लिहाज से तरतीब दी गई है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी सफारा हो, मजहबी इंतहा पसंदी को भी की भी हौसला शिकनी की जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की को भी मद्देनजर रखा जाए एंड शेप अप एज डेमोक्रेटिकली ओरिएंटेड मॉडर्न एंड इनलाइटेंड मुस्लिम स्टेट दैट डज नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इसी तरह से पूरी दुनिया की तरफ से जो एक इल्ज़ाम था, नेटो कंट्रीज की तरफ से एक इल्ज़ाम है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे कि टेररिस्ट बना दिए हुए हैं। तो पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इस इमेज को ख़त्म किया जाए और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने उन ग्रुप्स के साथ भी बातचीत की है क्योंकि उनके उनको भी उनमें भी ऐसे लोग शामिल हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि वो किस तरह से काम करके दुनिया को बेहतर तौर पे पुरअम जगह बना सकते हैं। क्योंकि महज ताकत का ऐसे लोगों के खिलाफ महज ताकत का इस्तेमाल जो है इस मसले का हल नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि आखिर ऐसे कौन से मकासद हैं जिनकी वजह से ये दहशतगर्द जो हैं ये इस तरह की इंतहाई कार्रवाइयों पर तैयार हो जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इसको ख़ास तौर पर शामिल किया गया है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया जाए और बताया जाए कि दहशतगर्दी में मुलव्वज़ जो लोग हैं उनको उनकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए ताकि उनके ख्यालात जो हैं उनको मुतदिल किया जा सके और उनको जो दुनिया को पुरअम जगह बनाना है उस धारे में शामिल किया जा सके। तो इन दोनों मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो काम कर रही है ताकि हम अपने लोगों को और दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमन के लिए काम करना चाहता है, जो किसी लिहाज से भी दहशतगर्द मुल्क नहीं है और बल्कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और हम अपने लोगों को भी जो हम में से ऐसे लोग जो के मजहबी इंतहा पसंदी और इस तरह की दूसरी सरगर्मियों में मुलव्वज़ हैं उनको भी समझा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाने के धारे में शामिल कर सकें क्योंकि महज ताकत का इस्तेमाल इस मसले का हल नहीं है। इसी तरह से नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। एक नज़र देखते हैं कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के में कौन कौन से अहम अदवार आए। इसका हमने किसी ना किसी तरह से पिछले लेक्चर में भी उस लेक्चर में भी हमने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पहलू से इस हवाले से बात की है, लेकिन एक तरतीब के साथ कि अब तक 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसमें कौन कौन से आम मोहर आए हैं। आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम 1947 टिल 1960 एज वी गॉट इंडिपेंडेंस देयर वर इंडियन थ्रेट ऑन आवर ईस्टर्न बॉर्डर्स, पाकिस्तान ऑप्टेड नॉन अलाइंट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। जब हमने आज़ादी हासिल की उस वक़्त इंडिया का ख़तरा जो था, इंडिया की तरफ से जो धमकी आमेज़ रवैया था वो हर वक्त मौजूद था।
अगरचे पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से गैर जानिबदार पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान किया, एट दैट टाइम अदर मुस्लिम कंट्रीज वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू एक्सटेंड एनी मिलिट्री हेल्प। उस वक्त तक दुनिया के जो बाकी मुसलमान ममालिक थे उसमें से कुछ जो थे वो आज़ादी की तहरीकें चला रहे थे, कुछ लोगों को नई नई आज़ादी मिली थी, तो दुनिया के बेशतर मुसलमान ममालिक भी जो थे वो इस पोजिशन में नहीं थे कि वो पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी सख्त वक्त में पाकिस्तान की मदद कर सकें। इट वॉज कोल्ड वॉर एरा एंड द बिग पावर्स राइवलरी मेड द कंट्री टेरिटोरियली अनप्रोटेक्टेड। इसी तरह से वो जो सर्द जंग थी मगरबी ममालिक के दरमियान में और दुनिया की दो बड़ी ताकतों यानी सोवियत यूनियन और अमरीका के दरमियान में, जो दो उस वक़्त की दो आलमी ताकतें थीं, उनके दरमियान में एक दुश्मनी चल रही थी, एक सर्द जंग जो थी वो जारी थी, तो उस सर्द जंग की वजह से जो छोटे ममालिक थे या वो ममालिक थे जिन्होंने नई नई आज़ादी हासिल की थी और उन अपने अंदरूनी मामलात की वजह से मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार थे, उनमें एक पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देते हुए अपने जहन में इस कोल्ड वॉर इराका के जो इस कोल्ड वॉर इरा के जो मुजमिरात थे या तहफ़ुसात थे उनको भी मद्देनज़र रखना था। इसी तरह से हाउएवर पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स विजिटेड यूएसए इन सर्च ऑफ टाइज टू हैव गारंटीज ऑफ बॉर्डर बट ऑफ नो यूज़। इसी नुक्ते को लेके कि पाकिस्तान जो है उसको अपने सरहदों का के तहफ़ की ज़मानत दी जाए, पाकिस्तान के लीडरों ने अमेरिका का दौरा भी किया लेकिन उसके कोई बहुत हौसला अफजा नतज मुरतब ना हुए। पाकिस्तान लिव्ड ऑन डेवलपिंग विद मीगर रिसोर्स टिल 1955 एंड 1959 व्हेन पाकिस्तान एंटर्ड इनटू अ मल्टीलेटरल अलायंस सिस्टम इनिशिएटेड बाय यूएसए टू कंटेन कम्युनिज्म। They were Southeast Asian Treaty Organization, CETO, 1955, and Central Treaty Organization, or CENTO, in 1959. Pakistan felt secure because of one of the clause of both the agreements was attack on one will be considered attack on all. 1955 और 1959 में जब पाकिस्तान ने अपनी इंतहाई महदूद वसाइल के साथ अपनी सलामती के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम शुरू किया, तो उस वक़्त बहुत सारे जो मल्टीलेटरल अलायंस थे वो हो रहे थे, जैसे कि नेटो जो है वो वजूद में आ चुका था, इसी तरह से वारसा पैक्ट जो है वो मौजूद था, जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो वारसा पैक्ट जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक ने तरतीब दिया और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उन्होंने नेटो का जो है फोरम वो चुना। इसी तरह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनके लिए अमेरिका ने बड़ी ताकतों ने जो तजवीज़ दी कि इनके लिए भी ऐसे दिफाई माहदे होने चाहिए, ऐसे दिफाई माहदों को तरतीब दिया जाना चाहिए जब मुश्किल वक्त में ये ममालिक एक दूसरे की मदद कर सकें। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है 1955 में और 1959 में दो दफाई माहदों में शरीक हुआ, एक साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सीटों के कहते हैं, और जो 1955 में जिसको कायम किया गया, इसी तरह से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो है जिसको जो कि 1959 में जिसको बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज ट्रीटीज़, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको जो सवालात दूं, जो आपको क्विजेज दूं, उनमें मैं इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछूं कि वो कौन से आम वायदे थे या वो कौन से इंपॉर्टेंट अलायंस थे, तो कोशिश करें कि आप इस लेक्चर को गौर से सुने और इसमें जितनी गुफ्तगू की गई है उसको अच्छी तरह से समझें और उस सिलसिले में उठने वाले सवालात को साथ साथ नोट करते चले जाएं। और लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है इसको याद रखने की कोशिश करें। इसी तरह से ये जो सेनेटो और सीटो हैं ये पाकिस्तान की उस वक्त की खारजा पॉलिसी में बहुत आम थे और पाकिस्तान अपने सरहदों की तरफ से काफ़ी हद तक मुतमिन हो गया, क्योंकि उसकी एक शिक ये थी कि एक मुल्क पर हमला बाकी सब ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, यानी अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। लेकिन क्या हुआ आइए देखते हैं। दीज एग्रीमेंट्स टर्न्ड आउट टू बी यूजलेस।
व्हेन पाकिस्तान इंडिया क्लैश्ड इन 1965 एंड 1971। लेकिन ये माहदे उस वक्त बिल्कुल बेअसर साबित हुए, ये अलायंस उस वक्त बेअसर साबित हुए जब 1965 और 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई। उसका जवाब ये पेश किया गया कि क्योंकि इंडिया भी जो है वो इनका मेंबर था तो ये उसके भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर जवाब था जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बददिल हुआ। नो कंट्री केम टू पाकिस्तान रेस्क्यू, और उस इन जगहों के नतीजे में पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई मुल्क आगे ना बढ़ा। आफ्टर इट्स डिफीट इन 1971 पाकिस्तान इंस्टेड ऑन डिपेंडिंग ऑन एनी वन पावर बिगेन अ मैसिव वेंचर ऑफ आर्म्स शॉपिंग। उस 1971 के बाद पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो पॉलिसी थी उसमें एक वाज़े तब्दीली नज़र आती है, वो ये है कि पाकिस्तान ने बजाय किसी एक ताकत या चंद लोगों पर इनसार करने के बजाय इस तरह की पॉलिसी अपनाई कि पाकिस्तान खुद अपने दिफा का इंतज़ाम करेगा, और इस लिहाज से असलाह को ख़रीदने के लिए, वेपन्स को ख़रीदने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया। ड्यू टू दिस डिफेंसिव पॉलिसी एक्सपेंडिचर रेज्ड एंड सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री सफर्ड। उसके नतीजे में हमारे दिफाई बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और हमारी जो समाजी और माशी तरक्की थी वो रुक गई, ये इसका एक नतीजा था। लेकिन जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसमें इस बात को प्रेफरेंस दिए जाने लगी कि मुल्की सलामती जो है वो सरे फहरिस्त है। द न्यूक्लियर एंड मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। इसी तरह से क्योंकि 70 की दहाई में ही हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो न्यूक्लियर पावर जो है उसके उस पर काम शुरू कर चुका था और ये इतलात मिल रही थी कि भारत जो है वो एटमी ताकत बनना चाहता है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान को अपने तहफ़ की खातिर न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम जो है वो शुरू करना पड़ा ताकि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल रखने में मदद मिल सके। पाक चाइना रिलेशंस वर प्रमोटेड ड्यू टू अनसेफ बॉर्डर्स एंड टू काउंटर द पावर इम्बैलेंस ऑफ साउथ एशिया। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये भी एक अहम नुकता रहा कि इस मसले को, इस ख़तरे को निपटने के लिए चाइना के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाए और ताकि खित्ते में अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और इस ये जो इम्बैलेंस ताकत का जो अदम तवाजन जो है वो खित्ते में, अगर भारत जो है वो अपनी एटमी कुव्वत बनने की और जो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी है उसकी वजह से कामयाब हो जाता है और खित्ते में मौजूद दूसरे छोटे ममालिक के खिलाफ जारियत का इरतकाब करता है, तो इस मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और तब से अपने दिफाई बजट पर जोर देना शुरू किया। ड्यूरिंग द पास्ट थ्री डिकेड्स द अफगानिस्तान इशू, कश्मीर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ मेड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री मोर ओपन टू प्रॉब्लम्स। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम शुरू कर लिया, मिज़ाइल सिस्टम प्रोग्राम जो है उस पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया, दिफाई बजट में भी इजाफा कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो नई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बनी, जो नया आलमी मंजरनामा सामने आया उसमें अफगानिस्तान का मसला बन गया, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है वो दूसरी तरफ जारी है, इसी तरह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी जारी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान एटमी ताकत है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी इकॉनमी है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बहुत मोहतात हैं। इसी तरह से रीसेंट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड हैज़ पुट द कंट्री इन द हॉट वाटर। इसी तरह से जो अभी आजकल दुनिया में जो मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, जैसे इराक़ की सूरत हाल है, जैसे सीरिया की सूरत हाल है, लीबिया के जो हालात हुए, इसी तरह से अभी हमें जितनी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके जो हालात हैं, इजिप्ट में जो हालात बदल रहे हैं, तो ये सारी जो इतलात हमें मिल रही हैं इस बदलती हुई सूरत हाल में जो है नेटो फोर्सेज जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठी हैं और हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है आए दिन दहशतगर्दी के वाक़ात रूनुमा हो रहे हैं, तो ये सारे हालात जो हैं पाकिस्तान की माशी और माशरती तरक्की में जो हैं वो रुकावट हैं और पाकिस्तान जो है इन हालात की वजह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देते हुए बहुत एहतियात से काम ले रहा है, क्योंकि ये सब मसाइल जो हैं पाकिस्तान को मद्देनज़र रखना होते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस पोलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड वॉर्स इन अफगानिस्तान हैज़ क्रिएटेड सीरियस सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ फॉर पाकिस्तान। इसी तरह से ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान का मसला है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी हालात ख़राब होते हैं वहाँ के गरीब आवाम जो हैं उनको
अमन की एक ही जगह नज़र आती है, पनागा एक ही नज़र आती है और वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अपनी अख़ुव्वत, भाईचारे और इस्लामी जगानगत का जो रिश्ता है उसके हाथों मजबूर है। फिर हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं उन कबाइल के साथ, उन लोगों के साथ, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है हमारा अफगानिस्तान के बहुत साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो ऐसे मसाइल का जो बोझ है, इस तरह की जो मेहमान नवाजी है उसका जो बोझ है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और ये आजकल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। जब हम अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देते हैं तो हम इस नुक्ते को जहन में रखते हैं। पाकिस्तान हैज़ बिन ओवर बर्डन बाई अननेसेसरी फॉरन एड विच हैज़ ओनली टर्न आउट टू बी अ ट्रैप। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम अपने मसाइल का जिक्र आलमी बरादरी से करते हैं या हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये इश्यूज लेके जाते हैं तो आलमी बरादरी की तरफ से पाकिस्तान को बसा औकात मदद की मदद करने के लिए दी जाती है। और ये जो फॉरेन एड हमें मिलती है वो कंडीशनल होती है, यानी उसके साथ साथ कोई ना कोई शर्त होती है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन, अगर एजुकेशन में अगर कोई हम कहते हैं जी हमें पाकिस्तान में बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं और हमारा एजुकेशन सेक्टर मुतासर हो रहा है, वो कहते हैं ठीक है आप एजुकेशन के लिए हमसे मदद दें, लेकिन एजुकेशन आपने हमारे मुताबिक देनी होगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल वीमेन एजुकेशन के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है वेमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हायर एजुकेशन में हमें पैसे की ज़रूरत है या हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसे की ज़रूरत है तो हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन पॉलिसीज़ को तरतीब नहीं दे सकते। ये एक मिसाल दी गई है, अगरचे वेमेन एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन मिसाल देने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हुए जो हमारी कौमी ज़रूरियात होती हैं, जो हमारे मुल्क के लोगों की ज़रूरत है, हम उसके मुताबिक काम नहीं कर सकते। और इस तरह से ये जो बैरूनी मदद होती है वो बजाय इसके कि हमारी सोसाइटी में बेहतरी लेके आए, वो हमारे लिए एक तरह से एक जाल साबित होती है जिसमें कि हमारे लोग और हमारी हुकूमतें जो हैं वो उलझ कर रह जाती हैं। इसी तरह से consequently Pakistan is included among the poor countries of the world, therefore the country still requires to design its foreign policy to fulfill its economic needs and to ensure stable economy and cultivate capabilities by which the country comes out of the अनकाइंड क्लचेज ऑफ लोन्स। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है वो गरीब ममालिक की में शामिल है। अगरचे हम एटमी ताकत हैं, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनको एटमी ताकतों का दर्जा हासिल है, लेकिन क्योंकि हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग गरीब हैं, यहाँ पर रोज़गार की कमी है, यहाँ पर बीमारी है, यहाँ पर दुख है, तकलीफ़ है, लोगों के पास तालीम की सहूलतें नहीं हैं, लोगों के पास रिहाइश की सहूलतें नहीं हैं, लोगों के पास साफ पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, लोगों को इतनी खुराक होने के बावजूद हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ सियासी जो ढांचा है वो कमज़ोर है, और सियासी ढांचा कमज़ोर होने की वजह से हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो देर पा नहीं होती, और जब एक हुकूमत आती है वो अभी पॉलिसियाँ बना ही रही होती है। आपने पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री भी मेरे साथ इस कोर्स के हवाले से कवर की है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई एक हुकूमत आती है कुछ अरसा काम करती है और जब तक वो उनकी पॉलिसीज़ मैच्योर होने का वक्त आता है उतनी देर में दूसरी हुकूमत आ जाती है, और इस तरह से वो जो पैसा एक पॉलिसी के ऊपर लगाया जाता है वो मंसूबे मुकम्मल न होने की वजह से ज़ाया चला जाता है, और इस तरह के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान की हालत बेहतर बनाने के बजाय कमज़ोर बना देते हैं। और पाकिस्तान अब अपनी फॉरेन पॉलिसी तरतीब देते हुए इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखता है ताकि वो गैर मुल्की कर्ज़ों से, गैर मुल्की सख्त शरायत वाले कर्ज़ों से निजात हासिल कर सके। पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो मैंने अपने लेक्चर में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको भी शामिल किया है। पाकिस्तान के साथ जो चाइना के ताल्लुकात हैं हम इससे पहले भी इन पर काफ़ी बात कर चुके हैं, जब हमने पाकिस्तान एज पाकिस्तान एंड चाइना
पाकिस्तान रिलेशन टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ में चाइना को डिस्कस किया था, क्योंकि इस वक्त चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि ग्रोइंग पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है, इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ख्याल किया जा रहा है। इसी तरह से इस वक्त की जो वाहिद सुपर पावर है वो अमेरिका है, उस लिहाज से हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं कि 1947 से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही है। यकीनन ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। पाक यूएस रिलेशंस आर बेस्ड ऑन टू डायमेंशंस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड इशू रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। एक तो यह है कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात रहे। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि इश्यूज़ के हवाले से जो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते रहे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते रहे, उस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की क्या अहमियत रही है। आइए देखते हैं इन 1947 टिल 1953 एक्सप्लेनेशंस ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल। 1947 से लेकर 1953 तक दोनों ममालिक के दरमियान में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है क्योंकि गैर जानबदारी की पॉलिसी अपनाए हुए था और वो चाहता था कि उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो गैर जानबदारी के असूलों पर कायम रहे, तो ये फेज़ जो है इसमें पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं उनके ताल्लुकात हमें मिलते हैं और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रहे। लेकिन इसमें उस तरह की मजबूती और गर्मी जो है वो नज़र नहीं आ रही जो कि बाद के आने वाले हालात में हुई। 1953 से लेकर 1962 तक का जो अर्सा है वो अलाइनमेंट विद द वेस्ट, पाकिस्तान ने ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर अमरीका को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और उसकी वजह यह है कि अयूब खान, सदर अयूब खान के दौर में दिफाई जो पाकिस्तान की ज़रूरियात थी उस हवाले से अमरीका ने जो मदद की पेशकश की उसको कबूल किया गया, और इस लिहाज से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के करीब आए। फ्रॉम 1962 टू 1971 दैट वॉज द ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मीन एट दैट टाइम पाकिस्तान वॉज कन्फ्रंटिंग इट्स इंटरनल इशूज, क्योंकि 1962 के बाद से 1965 की जंग हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान के हवाले से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए और पाकिस्तान अपने जो अंदरूनी मामलात थे उन पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए था, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो नॉर्मल एक दोस्त मुल्क की हैसियत से या नॉर्मल जैसे बाकी दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात थे, ये वो फेज़ है। इसके बाद 1972 टिल 1979 बायलैटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट, इसमें भी दो तरफ़ा ताल्लुकात हमें मिलते हैं, यानी अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं वो कायम रहे, और नॉन अलाइनमेंट भी साथ रहा, यानी पाकिस्तान ने गैर जानबदारी की पॉलिसी को सामने रखते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग दिया। इसी तरह से 1980 से लेकर 1988 तक अफगानिस्तान एंड टिल्टेड नॉन अलाइनमेंट। 1980 से लेकर 1988 में, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके जहन में ये बात है, हम इससे पहले इस पर बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं कि ये वो अरसा है जबकि रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, और उस हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करना शुरू की, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी थे, सऊदी अरब, बरतानिया, बाकी भी मगरबी ममालिक शामिल थे, लेकिन ख़ास तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की। और जो पाकिस्तान की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, यानी गैर जानबदार रहने की पॉलिसी, वो इसमें थोड़ा सा इसमें आपको झुकाव नज़र आता है अमेरिका की तरफ। इसी तरह से 1999 से लेके 1998 तक द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, पाकिस्तान ने कोशिश की कि अब अमेरिका पर भी इनसार ज़्यादा ना किया जाए और इसके अलावा भी बाकी अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको देखा जाए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने दुनिया के बाकी जो ममालिक थे उनके साथ भी अपने ताल्लुकात का ताल्लुकात को कायम करना शुरू किया, और ये वो इरा है जबकि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक इरा है, और पाकिस्तान के जितने भी यानी बेनज़ीर और नवाज शरीफ इन हुक्मरानों ने कोशिश की कि दुनिया के बाकी ममालिक के साथ भी राबतों को उस्तवार किया जाए और मजबूत किया जाए और साथ साथ अमरीका के साथ ताल्लुकात को भी कायम रखा जाए। इसी तरह से 1998 से लेकर 2002 तक रीस्ट्रेंथनिंग टाइज हैं, क्योंकि 1998 के बाद पाकिस्तान ने एक एटमी ताकत बन चुका था और
पाकिस्तान जो है उस पर बहुत सारे ममालिक की तरफ से इक्तसादी पाबंदियां जो हैं वो आयद की जा चुकी थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मदद की ज़रूरत थी और इस सिलसिले में पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ होना एक कुदरती बात थी। तो ये जो फेस है ये एक तरह से रीस्ट्रेंथनिंग फेस था। इसी तरह से पाक चाइना रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी हम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से अपने एक गुज़िश्ता लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी दिलचस्पी के लिए इसको दोहराई देती हूँ। आई वॉन्ट टू मेनटेन द सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दीज डिटेल्स इन दिस लेक्चर। बोथ कंट्रीज आर इंटरेस्टेड टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन देयर कंट्रीज एंड चाइना ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एंड इट्स रिच एक्सपीरियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान टू फॉलो सिंस आर प्रोग्रेस हैव बीन लेस इम्प्रेसिव ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सो वी नीड टू रीशेप आवर फॉरन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के हवाले से ये बात की गई है कि दोनों मुल्क जो हैं अपने अपनी अपनी जगह रहते हुए अपने दोनों मालिक एक दूसरे के अंदरूनी हालात में मुदाखलत ना करते हुए अपने अपने मुल्क में तरक्की को फ़रोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है उसके लिए इस वक्त चाइना जो है एक बेहतरीन मिसाल है। इस खत्ते में चाइना ने हमारे से कुछ अरसा बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन अब चाइना जो है एक बड़ी इमर्जिंग ग्रोइंग इमर्जिंग अगरचे चाइना ने पाकिस्तान से बाद आज़ादी हासिल की, मगर अब चाइना जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड है और ये एक ऐसी मिसाल है पाकिस्तान के लिए जिसको कि पाकिस्तान फॉलो कर सकता है। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात को दुरुस्त करने के बाद अपनी तरक्की पर तवज्जो देना चाहता है ताकि इसकी माशी मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकें और इस तरह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तरक्की के रास्ते पर चल सकें और अपने मियारे ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द समरी ऑफ द लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, एनालिसिस ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, करंट फोकसिंग पॉइंट्स, मेजर अलाइंसेस, मेजर राइवलरीज, international organizations and foreign policy of Pakistan, overview of different phases of Pakistan's foreign policy, Pakistan-US relations and Pakistan and China relation with the reference of foreign policy of Pakistan. These all important points we have discussed in this lecture and now it's the time for the quote of the day. And quote of the day is, let us more and more insist on rising funds of love, of kindness, of understanding, of peace. Money will come if we seek first the kingdom of God. The rest will be given. With this quote, I end here. That's all for today. Thank you and Allah Hafiz.